नमस्कार दोस्तों, सुधनेट चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यामा की तरफ से एक सुपर डुपर बाइक MT125 इंडियन मार्केट में लॉन्च होने जा रही है। ये बात यामा कंपनी की तरफ से एकदम अप्रूव हो चुका है कि ये बाइक इंडियन मार्केट में जल्दी लॉन्च होने वाली है। TVS राइडर के बाद ये यामा की पहली पेशकश 125cc में रहेगी, जो इंडियन मार्केट में तहलका मचा के रख देगी। और फ्रेंड्स, अपन आज इस बाइक के बारे में प्राइस, लॉन्च डेट और फीचर्स जानेंगे। इस बाइक में आपको क्या क्या नए फीचर्स देखने को मिलते हैं और ये बाइक आपको ऑन रोड कितने तक में पड़ जाएगी। तो व्यूअर्स, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल पे दबाओ, ताकि आपको लेटेस्ट बाइक कंटेंट मिलता रहे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जो इस बाइक का की हाइलाइटिंग फीचर्स है, वो है इस बाइक का डिजाइन। इस बाइक में आपको स्ट्रीट फाइटर नेकेड डिजाइन देखने को मिलता है, जो कि यामा की MT15 में भी आपको देखने को मिलता था। इस बाइक के फ्रंट में आपको ट्विन LED लाइट्स देखने को मिलता है, जो कि फुल आईज के शेप में डिजाइन की गई है। और साथ ही साथ नीचे की तरफ प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं। इस बाइक को फ्रंट से देखने में रात में बच्चे ही डर के भाग जाएंगे, क्योंकि इस बाइक का फ्रंट लुक एकदम एलियन जैसा डिजाइन किया गया है। जैसे उसकी आंखें होती हैं और उसका जैसे मुंह चोंच की तरह निकला होता है, प्रोजेक्टर जो हेडलैम्प मारता है सीधे डाउन साइड में। और फ्रेंड्स, फाइनली यही बाइक 125cc में लॉन्च कर दिया गया, ताकि आप अपना भोकाल दिखा सके इस बाइक को खरीद कर। क्योंकि मैं जानता हूँ आजकल के टीनेजर शो ऑफ करने के लिए ऐसी हैवी बाइक खरीदना चाहते हैं, तो उनके औकात में तो 150cc की बाइक रही नहीं। फाइनली यामा वालों ने इसका भी सॉल्यूशन निकाल दिया है और अपनी 125cc कैटेगरी में ये बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। तो फ्रेंड्स, फाइनली आपको मैं बता देता हूँ इस बाइक की लॉन्चिंग डेट और ऑन रोड प्राइस कितना रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, फाइनली बात कर लेते हैं यामा MT125 के लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में। तो इस बाइक की जो लॉन्च डेट रखी गई है 16 अक्टूबर रखी गई है, मतलब ये 16 अक्टूबर 2024 में लॉन्च हो जाएगी, क्योंकि इस बाइक में थोड़ा सा डीले हो रहा है। और इसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस रखा गया है, आप देख सकते हैं इसमें दे रखा है 1.20 लाख रुपीज इस बाइक का एक्सपेक्टेड प्राइस है, मतलब ऑन रोड 1,40,000 रुपये में ये बाइक आपको देखने को मिल जाएगी। बात करें इस बाइक के कलर ऑप्शंस की, तो आप देख सकते हैं इसमें एक सिल्वर कलर है, एक ब्लू कलर दे रखा है और एक पूरा ब्लैक कलर दे रखा है। इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको काफी डिजिटल चीजें देखने को मिलती है। इस बाइक में RPM मीटर, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर और फ्यूल टू MPT भी दिखाता है। फ्रेंड्स, बात कर ले इस बाइक के कुछ हाइलाइटिंग फीचर्स की, तो इस बाइक में आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, जिसमें RPM मीटर, इंडिकेटर और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ इस बाइक में आपको स्लीपर क्लच देखने को मिलता है, जिसमें आपको बिना क्लच दबाए गियर शिफ्ट कर सकते हैं। और साथ ही में इस बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS भी देखने को मिलेगा, जिससे आपकी ब्रेकिंग काफी जानदार हो जाएगी। और इस बाइक में आपको डुअल डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं विद निसिन के कैलिपर्स के साथ। बस इस बाइक में आपको एक ही कमी देखने को मिलती है, वो कि इसकी पिलियन की सीट। इस बाइक में आपको रेयर में काफी पतली सी सीट देखने को मिलती है, और उसके साथ ही इसमें आपको ग्रैब रेल भी देखने को नहीं मिलता है, जिससे पिलियन को काफी अनकंफर्टेबल होगा इस बाइक में बैठने पे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।